इस साल आप सब जानते हैं कि ये विश्व स्तर पे दुनिया भर में जो ये एक त्रासदी है, एक पेंडेमिक जो महामारी है, उसका फैलाव हर जगह पे, और कोई भी आज मैं समझ सकता हूँ कोई स्टेट बोले यूटी हो या कोई मुल्क हो बचा हुआ कोई ऐसा नहीं है। हम भी काफ़ी समय से जूझ रहे हैं इस चीज़ से, और माता रानी की कृपा से आज हम इस विषय पे बात कर रहे हैं। मैं तो इसको भी बहुत बड़ा सुखद अनुभव मानता हूँ, क्योंकि बहुत देर पहले तो ये भी सोच आती थी, बाज़ार बंद थे, सब लॉक था, वीरान छाया हुआ था। आज इस विषय पे चर्चा भी हो रही है, इसमें आप सबका माता का बहुत बड़ा आशीर्वाद है माता रानी का कि हम इस विषय पे बात भी कर रहे हैं। इस साल का जो उत्सव है, आप उसको महाउत्सव बोले, उत्सव बोलें या कार्यक्रम बोलें, वो काफ़ी देर से चल रहा है। तो इस साल भी उसको जो यहाँ का वो जो 9 दिन पूजन होता है, भवन में भी होगा, नीचे भी जो हमने सब लोगों से चर्चा की, यहाँ के शेयरधारों से जो कि मेन स्टेक होल्डर हैं, जो इस कार्यक्रम को चलाते हैं, सहयोग करते हैं, इनफैक्ट उन्हीं का प्रोग्राम है। तो ये तय पाया है कि इस साल जो एक माता की झांकी है उसको जो पुजारी जी हैं वो विधिवत पूजा करेंगे, और इस बाज़ार से बहुत कंजकों के साथ उसको गुजरेंगे। भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं होगी, क्योंकि लोगों का जमाव होना ही एक जो हमारा इसमें डिसिप्लिन है, मैं बोलूँगा इसमें SOP भी बोल सकते हैं, इन्फोर्समेंट, मगर मैं बोलूँगा सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन जो है उसको तोड़ता है। इस कारण से वो झांकी निकलेगी, उसके बाद वो चौक तक जाएगी, वहाँ पे नीचे कथावाचक या हवन का इंतज़ाम किया जाएगा, ताकि जो ये कार्यक्रम है उसको हम आज की परिस्थितियों को देखते हुए अपने आप को उस तरह से ढालें कि ये जो नवरात्रा उत्सव है उसमें झांकी निकले, 9 दिन माता की जो पूजा होती है वो हो, और उससे सब लोग प्रार्थना करें। ये साल प्रार्थना करने का, हर साल ही प्रार्थना करते हैं, विश्व में शांति हो, ये महामारी जल्दी निकले, तो माता के आगे माथा टेकें। मेरा मानना है कि इस साल हमें इन रात्रों में इसी चीज़ की कामना करनी चाहिए और माता के आगे सिर झुकाना चाहिए, और साथ में ये जो एक उत्सव है उसका भी एक रूप जो है वो दिखे। ऐसी परिस्थिति में हम गुजरते हैं तो थोड़ी बहुत कठिनाई भी आती है, लेकिन उनको दुरुस्त किया गया। पहले चंद 100 नंबर था, नंबर बढ़ता गया बाहर के यात्रियों का, आज नंबर और बढ़ेगा। उनको एक ऑनलाइन स्लिप है, टेस्ट है, वो रखना है। कुछ जगह पे हमें भी आई कि कुछ दुश्वारी आ रही है, उसको हमने स्मूथ किया, पहले आई एक दो जगह पे और स्मूथ किया। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में लोगों को और सुखद अनुभव होगा, और कहीं पर भी कोई कठिनाई अगर उनको आ रही है तो उसके बारे में हम लोग पर्याप्त जो है वो इंतजाम करेंगे, ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उनको कोई कठिनाई ना आए। और नहीं है पेंट करना, गली को साफ करना, स्वच्छ बनाना, ये तो सबकी जिम्मेवारी है। मैं तो होटलियर से भी अपील करूंगा कि वो जैसे पहले दिवाली से पहले या नवरात्रा से पहले हर साल करते हैं, ये एक मौका होता है साफ़ सफाई करने का, उसको साफ़ सफाई करें। यहाँ पे गलियाँ साफ़ हों, जो सड़कें हैं उनकी सफाई हो, जो डिपार्टमेंट्स काम करते हैं उस पर काम करें, और लाइटिंग होती है वो सारी चीज़ें होंगी जैसे पहले होता, उसमें तो कोई रुकावट नहीं है। गेट कुछ चंद कोई इस तरह के अभिलाषी जो हैं या लोग ऐसी संस्थाएं जो हैं जो गेट लगाते डेकोरेशन करते वो करेंगे, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, उसके लिए किया जाएगा। लेकिन भारी तादाद में जो लोगों का आना वो इस बार हमें थोड़ा उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। सर, कटरा टाउन ही नहीं पूरी दुनिया प्रभावित हुई है इस महामारी से, तो मैं समझता हूँ कि जितना अनलॉक की हमारी मुल्क में व्यापार को लोगों की रोजी रोटी करने के लिए, एक तरफ तो डिजीज़ कंट्रोल और दूसरा लोगों को दुश्वारी भी ना हो, मुझे लगता है वो बड़ा बैलेंस करके किया गया है।